वजीर को मैं तहरीक इंसाफ में खुश आमदेद कहता हूं और मैं अब उम्मीद करता हूं कि पहले तो बहुत देर करके आए, इनको बहुत पहले आना चाहिए था। फैसले में थोड़ी सी आपकी कमजोरी थी, पहले आ जाते हम आपको टिकट दे देते। अब मैं चाहता हूं कि जो एक हफ्ता रह गया इस कैंपेन में पूरी तरह शिरकत करें हमारे साथ। खास तौर पर मैं चाहता हूं बन्नू में मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूं अकरम दुरानी के माफिया के खिलाफ, मैं चाहता हूं कि अजमल आप पूरी वहां निकलें और हमायत करें, मदद करें यानी हमारे जीतने की। मैं इंशाल्लाह खान साहब जो आपकी वो है उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो ये बात की है पीटीआई को खान साहब के साथ जो मेरा वास्ता है, जो मेरा रिश्ता है, जो मेरी मोहब्बत है, वो कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमेशा मैंने मीडिया में भी लोगों को पता है, हमेशा मैंने सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी करूंगा। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मुझे खान साहब ने कहा ना कि टिकट दे देते, मैं इसलिए बाद में आया हूं कि खान साहब को यह पता हो कि मैं टिकट के लिए नहीं आया हूं। मैं एमएनए बनूं सेनेटर बनूं ये मैटर नहीं करता, इस मुल्क का इमरान खान वजीर आजम बनना ये मैटर करता है, इसलिए मैं आया हूं। और इंशाल्लाह ताला ये जो अगले दिन है ये हम भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, सब लोगों को पीटीआई के अलावा भी पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि नाउ दिस इज द टाइम, अगर आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल को बचाना है तो खान साहब को वोट करें। ये मुल्क का वजीर आजम बनेगा तो इस मुल्क का कोई ये मुल्क ठीक होगा, वरना तो फिर यही हाल होगा जो हमारा।